उसने आज मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ? साइमा आंटी आई थी क्या आज? मैं गई थी उसकी तरफ उससे माफी मांगने। वेट अ सेकंड, मामा माफी मांगने गई थी? क्यों माफी मांगने गई थी और किस बात की माफी मांगने गई थी यार? वादा किया था मैंने अपनी बहन से, जुबान दी थी, उसी भरोसे के ऊपर उसे नताशा का रिश्ता नहीं किया और मैंने वो वादा तोड़ दिया। कितनी कमजोर निकली मैं। होम प्लीज स्टॉप इट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप ये बातें क्यों कह रही हैं। मैंने आपके कहने पे नताशा के साथ मंगनी नहीं की थी क्या? तो उसे निभाना भी चाहिए था ना, जिस तरह तुम अपने बाबा के कहने पे एक बिजनेस पार्टनरशिप निभा रहे हो फातिमा के साथ। और मेरी मर्जी मॉम, उसका क्या? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी हम क्यों भुगतें? तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से हम क्यों सफर करें? तुम्हें क्या पता है कि इस घर के लिए कौन सी लड़की बेहतर है, जो सेंसिबल हो, जो इस घर को संभाल सके? तुम्हें कुछ नहीं पता। आपकी प्यारी भांजी फरहान से शादी करने जा रही है और आपकी बहन कभी भी ये शादी होने नहीं देगी, क्योंकि गरीब जो है फरहान। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो दिल में आता है बोलते रहते हो, अब उस मासूम को बदनाम भी करोगे, और वो भी तुम्हारे उस मामूली दोस्त के साथ जिसको वो कभी देखे भी ना। ओके मॉम, आपकी मर्जी है। आपने नहीं यकीन करना मेरी बात का तो ना यकीन करें, लेकिन प्लीज मुझे और खुद को कसूरवार समझना बंद कर। देखिए फातिमा फेंग पीर से जुम्मा रात 7 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।